नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार शैलेंद्रा एक बार फिर आपके साथ आपके पास। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, समस्त भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है कैब। जी मैं ओला कैब की बात नहीं कर रहा हूँ, सिटीजन अमेंडमेंट बिल की बात कर रहा हूँ। और दोस्तों मैं इसमें तमाम तरह की बातें आपको कही जा रही होंगी, हो सकता है चीज़ें आपके समझ में भी ना आ रही हों, इसलिए मैं आपको बहुत ही शुद्ध और साधारण भाषा में बताता हूँ। इसके लिए आप एक नरेटिव समझिए। मान लीजिए आप समुद्र में जा रहे हो, ठीक है, आप अकेले एक नाव में बैठकर समुद्र में जा रहे हो और आपकी नाव में काफ़ी जगह है। आप कुछ दूर जाते हो, आपको दूर दो व्यक्ति डूबते हुए दिखाई देते हैं, आप वहां पहुंचते हो, बट ऑब्वियसली कि आप उनको बचाओगे। जब आप वहां पहुंचते हो तो आपको मालूम चलता है कि डूबने वाले दोनों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति हिंदू है और दूसरा डूबने वाला व्यक्ति मुस्लिम है। फिर आप क्या करोगे? बट नेचुरल आप उसको बचाओगे, दोनों को बचाओगे, कोई भी रहेगा ऐसा ही करेगा। लेकिन इस कहानी में जो हमारा नाव चलाने वाला व्यक्ति है वो हिंदू है। जब वो वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि एक व्यक्ति जो डूब रहा है वो हिंदू है, उसको तो वो बचा लेता है, और जो मुसलमान वहां डूब रहा है उसको कहता है कि भाई देख यार, ये समुद्र बहुत बड़ा है, यहाँ अभी बहुत सी नाव आ रही हैं जिसको तेरी कौम के मुस्लिम लोग चला रहे होंगे, वो अभी आएंगे और तुझे जरूर बचा लेंगे, तू थोड़ी देर सब्र कर। कुछ समझ में आया दोस्तों? कुछ ऐसा ही है हमारा कैब। अब बात करते हैं दोस्तों इस बिल के बारे में, क्या कहता है ये बिल। दोस्तों ये बिल कहता है कि हमारे पड़ोस के देशों में जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में रहने वाले हिंदू, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, पारसी, ये कौम जो है जो 31 दिसंबर के पहले से आके भारत में रह रहे हैं शरणार्थी के रूप में, उनको भारत अपना निवासी मान लेगा, नागरिकता दे देगा। इसके उलट इन्हीं देशों से आने वाले अहमदी, सिया और एथिस्ट, इनको भारत अपना नागरिक नहीं मानेगा। तो देखा आप लोगों ने दोस्तों, ये हो गया ना वही समुद्र और नाव वाला लॉजिक कि तुम मुस्लिम हो तो मैं तुम्हें नाव में बैठा कर बचाऊंगा, नहीं कोई और आ जाएगा। सेम उसी तरह से तुम अगर जो है मुस्लिम हो, पाकिस्तान से आए हुए जो है अहमदी, सिया हो, तो मैं तुम्हें अपने देश की नागरिकता नहीं दूंगा। ये कहां का लॉजिक है? मैं इस चीज को एकदम गलत समझता हूं। मैं आपको बताता हूं कैसे। हमारे देश में जितने भी पूर्व में, मैं बात कर रहा हूं सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, और जिसकी तो हमारे सरकार में मोदी जी तारीफ करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन लोगों ने कभी भी भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की कोशिश नहीं की, जहां तक मुझे याद है, मैंने जहाँ तक पढ़ा है, मैंने कभी नहीं देखा कि इन लोगों ने इस भारत को संपूर्ण हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की। हिंदू राष्ट्र बनाना कौन चाहता था? मुस्लिम राष्ट्र कौन चाहता था? मैं बात कर रहा हूँ 1947 आज़ादी के समय की बात कर रहा हूँ। कौन चाहता था उस समय कि हिंदू राष्ट्र अलग हो जाए, मुस्लिम राष्ट्र अलग हो जाए? जिन्ना, गोडसे, सावरकर, यही लोग तो थे, या फिर हमारे महापुरुष लोग चाहते थे? ये लोग चाहते थे कि हिंदू राष्ट्र बने, मुस्लिम राष्ट्र बने, मुस्लिम राष्ट्र बने, अलग हो, ठीक है। दूसरा चीज कहूंगा मैं इन चीजों में, अपने देश की जनता से कहूंगा इन चीजों में आप न पढ़ो भाई। हम लोग वैसे ही बहुत बेकार कंडीशन में देश जा रहा है, आर्थिक रूप से सब कुछ खत्म हो चला है, कुछ भी नहीं बचा है। यहां तक कि आप रोजगार, बेरोजगारी का आलम ये है कि आदमी पकौड़ा भी नहीं तल सकता है, प्याज 150 रुपये किलो चल रही है। तो इन बेकार के हिंदू मुस्लिम में न लगो दोस्तों, प्रेम से रहो यार, कुछ समय साथ बिता लो, क्या पता आगे दिन अच्छे आ जाएं। आखिरी में दोस्तों अपने हिंदुस्तान के मुसलमान भाइयों से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आपको डरने की आवश्यकता जरा भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको हिंदुस्तान से निकाला जा रहा है, आपको बाहर फेंका जा रहा है, नहीं। मैंने बड़े साफ और सरल शब्दों में आप लोगों को ये बताने की कोशिश की है कि क्या कहानी है, क्या हो रहा है। जितना मुझे मालूम है भाई, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं कि हाँ सारी चीजों को बारीकी से बताऊं, जितना समझ में आता है उतना आप लोगों को साफ और सरल शब्दों में कह देता हूं। और ये मैंने आज इसलिए किया कि हमारे मित्र हैं नजीर भाई आपके लिए, और रफी भाई स्पेशली आपके लिए भी,
इन लोगों ने मुझसे डरते हुए फोन किया कि यार सलंदर क्या होने वाला है, तो मैं बता रहा हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग मस्त रहो, बिंदास रहो, भारत पे 50% हक आपका भी है, भारत जितना मेरा है भारत उतना आपका भी है। प्रॉब्लम कहाँ थी, मैंने बता दिया कि बाहर से आने वाले अहमदी और सिया को लेके। खैर मैं इस चीज को विराम देते हुए सरकार से कहूंगा कि देश में समभाव की भावना बनी रहे तो ज्यादा अच्छा है, हम लोग एक दूसरे के साथ मिल कर रहे तो ज्यादा अच्छा है। जय हिंद, जय भारत, जय भारत स्वाभिमान।